is the online classes conducted by Sanjeev School and College. Children, we are going to study about science class for chapter 5, chapter name Our Body. It's a very interesting and very useful topic for us because our body is externally jitni simple dikhti hai, internally utni complicated hoti hai. Different type ke organs ki combination se ye body work karti hai. So abhi hame is topic pe discuss karna hai ki different type ke organs hote hain body ki, wo kaise work karte hain, organs kaise prepare hote hain, kaise body mein work karte hain, dono aapas mein jo organs hain unka coordination kaise hota hai. Now let's start our topic. Our body is made up of cells. Hamari jo body hai, sabse small unit jo hamari body ki hoti hai wo hai cell. Theek hai, cell se hi sare organs hote hain. Sabse smallest jo unit hoti hai wo cells hai. Theek hai, then cells se kya banti hai, tissues. The cells have different types of cells ki combination se banti hai tissues. Theek hai, to in tissues ki combination se particular koi bhi jo hai lungs hai ya koi bhi organ jo hota hai wo tissues se bana hota hai. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने लंग्स को लिया होगा और इस एक लंग्स से पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, जो ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो प्रिपेयर होगा. तो मुझे यहाँ पे ये आपको समझना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, उससे टिश्यूज बनती है. टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन बनता है. हमने यहाँ लंग्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है और किसी भी एक ऑर्गन से पूरा एक सिस्टम बनता है जो पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन करता है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स जॉइंट्स टूगेदर एक टिश्यू. जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो ये टिश्यूज से कन्वर्ट होती हैं एंड टिश्यूज जॉइंट टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन. जब ये टिश्यूज आपस में ऐसा मिलते हैं तो ये किसी ऑर्गन का कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड अ फ्यू ऑर्गन्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है, ईच ऑर्गन सिस्टम कैरीज आउट वन मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी. और हर ऑर्गन सिस्टम पर्टिकुलर कोई एक वर्क करता है. जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, तो इसका अपना पर्टिकुलर कोई वर्क, अलग डिफरेंट टाइप का वर्क होता है. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं जब वो एक साथ मिलकर अपना अपना पर्टिकुलर अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं तो हमारी जो बॉडी की डेली रूटीन है, डेली वर्क जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली वर्क करती रहती है. और हमें नॉर्मली जनरली हमें फील भी नहीं होता है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है. नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम. व्हाट इज द ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या है? ठीक है, आवर बॉडी हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से बनती है. ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, आईज हो गई, जैसे आपके हैंड है, ठीक है, जो ऑर्गन्स हमें बाहर से दिख रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें ऐसे सिंपली नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, इसके लिए आप एक्सरे या अदर चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है. और सेंसेस ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन,
जब इस बलून में हम एयर करते हैं तो
तो आपको सारे